तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे हाँ यार भाई, बोलेंगे तो चिल्लर भी खड़ जाएंगे। आप एक काम करो, आप कुछ बोलना मत वहाँ पर, आप गूंगे बन के आ जाओ। अरे तो फिर ये माफी कैसे मांगेंगे? एक मिनट अय्यर भाई, आप जैसे ही संग्राम सिंह से मिले आप कह दीजिएगा कि मैं साउथ में पला बड़ा पंजाबी हूँ, यू नो साउथ इंडियन पंजाबी, तो मेरी भाषा ऐसी। हाँ, गुड आइडिया। वाह वाह अंजलि भाभी, क्या आइडिया दिया है आपने, बराबर है, एकदम बराबर है। अय्यर भाई मान लो आप अफ्रीका के जंगल में पले बड़े होते हैं, ऐसे सब भाषा बोलते है ना। जयराल तुम ऐसा बोलोगे तो मेरे को सरदार नहीं बनना है। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, शांति रखो ना। अरे भाई मैं भी आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा था। ऐसा उदाहरण मत दो ना भाई। ओके ओके। देखो अय्यर चिंता मत करो, तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे। तुम एक काम करना, जहाँ भी अटक जाओ वहाँ सीधा हाथ उठा के बल्ले 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 याहू याहू करना शुरू कर देना। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब, बहुत बढ़िया आइडिया। आज आप और अंजलि भाभी क्या बात, आइडिया आइडिया फेंक रहे। और मान लो अय्यर भाई भूल गए वो बल्ले बल्ले करने का, तो हम सब मिलके उसी जगह पे बल्ले 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 कर देंगे। बराबर है सब? एकदम बराबर। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक दो तीन चार। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू ओ याहू याहू। अरे आप लोग डांस क्या कर रहे हैं अभी? मैं एक काम करती हूँ, मैं बबीता जी और अय्यर भाई को लेके छगनलाल ड्रेस वाले के वहाँ जाती हूँ, उनको तैयार करके यहाँ लेके आती हूँ। तारक आप भी चलिए ना, मेरे साथ हेल्प रहेगी। ठीक है अंजलि, हम लोग जाते हैं। आप लोग एक काम करिए, हम लोग जब तक इनको तैयार करके लाए तब तक संग्राम सिंह को बातों में बिजी रखिए, ठीक है? क्या हुआ, गोगी के माँ बाप को लेकर नहीं आए? हाँ आ रहे आ रहे, बस रास्ते में ही आ रहे। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो अमृतसर में है, अब आ रहे? सब के सब झूठे हो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक तेरी चाल है। तारक अय्यर भाई रेडी? हाँ मेरे ख्याल से बस आते ही होंगे। और बबीता जी रेडी? लो आ गए। हाय, तुम दोनों एकदम परफेक्ट पंजाबी जोड़ी लग रहे हो। थैंक यू मेहता साहब, आपने तो हम दोनों का गैट अप चेंज कर दिया। और थैंक यू ऐसे बोलो, पर अभी कुछ मत बोलो, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो 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 चलो, बहुत प्रॉब्लम है बबीता जी। मेहता साहब मेरे को बस डर लग रहा है। अरे डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा। अप्पा जी मेरी गड्डी को आज की तुझे देखी कितने? क्या बोल रहा है ये? पता नहीं। मेहता साहब बल्ले बल्ले करो यार, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ए बल्ले बल्ले भाई बल्ले बल्ले ओए बल्ले 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 बल्ले। ओए पागल हो गया तू? ओए मेरी गड्डी को बाची और तू इधर बल्ले बल्ले कर जा रहे हैं? याहू याहू ओए याहू याहू ओए याहू याहू। ओए खोतिया तेनू पकड़ के मारूंगा मैं। ओए मेरी इधर गड्डी को बाची और तू इधर बल्ले बल्ले कर जा रहा है, याहू याहू कर जा रहा है। सरदार जी आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए बटरासी सरदार। एक मिनट पापा जी, दरअसल ये सरदार नहीं है, साउथ इंडियन है। हाँ फ्रॉम तमिलनाडु। ओए तू सरदार जी साउथ इंडियन है? ओए तू सरदार बन के क्यों घूम रहा है? तो पागल होगा तू, पागल खाने फोन करूँ मैं? अरे नहीं नहीं प्लीज। देखिए सरदार जी आप नाराज मत होइए, असल में इन्होंने जानबूझ के वेश नहीं करा है।
एक बच्चे की रक्षा करने के लिए हमने इन्हें सरदार जी बनाया। असल में हमारे दोस्त हैं रोशन सिंह छोटी, हम सब लोग गोकुल धाम में रहते हैं, वो जरा अमृतसर गए हैं बाहर, और उनका बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, आम तोड़ रहा था, तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। अब वो कह रहा है कि जब तक इसके माँ बाप नहीं आएंगे हम इस बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। अमृतसर से तो हम सोडी को कैसे बुलाते, तो हमने इस बच्चे की रक्षा के लिए इन्हें सरदार बनाया। प्लीज इसका बुरा ना लगाएं आप। प्लीज 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 जी सरदार जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ओ ठीक है बहन जी, ओए आप लोगों की आंखों में ना सच्चाई दिख रही है। ओ जी चिंता मत करो, वाहेगुरु जी सब ठीक कर देंगे। थैंक यू जी। ठीक है चंगा जी। सरदार जी गड्डी गवाच गई का मतलब क्या होता है? ओ यार मेरी गाड़ी है ना गवाच गई है, मतलब गुम हो गई है। हाँ, तो गड्डी मिल जाएगी आपको? मिल जाएगी। चलो चलो। यार कितने गई गड्डी यार? क्या हुआ, और कितनी देर है, कब आएंगे इसके माँ बाप? संग्राम सिंह जी, गोगी के माँ बाप तैयार हैं। आ गए, मेरा मतलब आ गए। नमस्ते, नशीब आ गए। यार भाई क्या कर रहे हैं? क्यों? अरे इनको बोला था कि बल्ले बल्ले करना है, लेकिन जब अटके तब करना है बल्ले बल्ले। ये पक्का फंसाएंगे। जिस बाप का बेटा ऐसे पेड़ पे फंसा हुआ ऐसे बल्ले बल्ले करते हैं। इधर आ गई। अरे वाह, ये अय्यर भाई तो हूबहू सरदार लग रहे हैं। बराबर, लेकिन एक्टिंग बराबर होनी चाहिए। सत श्री अकाल जी। हाँ। गोगी, देखा तुम्हारा मम्मी पापा आ गए। वो ये पापा को क्या हो गया? वो गोगी बेटा, वो अमृतसर में धूप बहुत थी ना, तो उसका थोड़ा असर हुआ है पापा को। तुम्हारे पापा टैन हो गए बेटा। हाँ, टैन हो गए? टैन मतलब रंग सांवला हो गया है। हम ही हैं गोगे के मम्मी पापा। कहिए क्या काम था हमसे? अरे ये तो बबीता आंटी है। संग्राम अंकल। ओए चुप। हाँ चुप रहे बेटा। ओ, तो तुम हो गोगी के माँ बाप? हाँ जी। आपका कुछ डाउट है? रुम्बा भयंकरमा इरिके, आप लोगों ने हमें बताया नहीं कि ये आदमी इतना खतरनाक है? ये सरदार साउथ इंडियन लहजे में क्यों बात कर रहा है? संग्राम सिंह जी, असल में क्या है कि ये साउथ इंडिया में ही पैदा हुए, वहीं पले बड़े, तो उसकी वजह से उच्चारण गड़बड़ हो गया है। देखिए आपको जो सजा देनी है वो आप हमें दे दीजिए, बट आप प्लीज हमारे गोगी को माफ कर दीजिए। वाह वाह बबीता जी वाह, आपकी बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बबीता, लेकिन ये गोगी तो बोल रहा था कि इसकी माँ का नाम रोशन है। अब बोला ये गोगी ने ऐसा क्यों बोला होगा? बहुत प्यारा बच्चा है, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, बोला होगा मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। उनको बोलिए संग्राम सिंह को। हाँ, मुझे तो पता ही है। संग्राम सिंह जी, असल में गोगी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, ऐसा इसने कहा था, तो बोलता है माँ का नाम भी रोशन करेगा और पिताजी का नाम भी रोशन करेगा। आपको सुनने में कोई गलत फहमी हो गई होगी। एक्चुअली माँ बाप का नाम रोशन। हाँ। नाम क्या है आपका?
रंजन अय्यर, रोशन सिंह सोढ़ी। रोशन सिंह सोढ़ी। सोढ़ी या अय्यर? दोनों वो मम्मी जो है माता जी इनकी वो साउथ इंडिया से है और पापा जी है वो पंजाबी है। वो दरअसल क्या है, इनके पिताजी ने प्यार से इनका नाम रोशन भाई सिंह सोढ़ी रखा और माता जी ने प्यार से इनका नाम कृष्णन भाई अय्यर रखा। देखिए, आप हमसे मिलना चाहते थे तो हम तो आ ही गए ना यहाँ पे, तो अब तो हमारे बेटे को पेड़ से नीचे उतार दीजिए प्लीज। प्लीज 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 संग्राम सिंह जी, अभी तो उतार दीजिए प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए जरा। जरा जाओ बुला रहे, जाओ सोढ़ी भाई। एक काम करो, इस पेड़ पर जो सबसे ऊपर टहनी पर आम लटका हुआ है ना, उसे तोड़ कर लाओ। जाओ। आपकी ऑफर सुन के सोढ़ी भाई खुश हो गए। जाइए जाइए जल्दी ऊपर जाइए अय्यर भाई। बजरंग बली का नाम लो, फटाफट पेड़ पे चढ़ जाओ। लाओ लाओ जाओ जाओ ले जाओ। अरे जेठालाल तुम क्या बोल रहे हो, मैं पेड़ पर चढ़ जाओ। मैं पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिर गया और मेरे को चोट लग गई तो फिर? अच्छा, और ये नहीं सोचते हो कि बेटा पेड़ पर चढ़ जाए और वो ऊपर से नीचे गिर जाए और उसे चोट आ गई तो उसका क्या होगा? वो क्या है ना संग्राम जी, मेरे को वर्टिगो है। वो क्या है, मैं ऊपर हाइट जैसा नीचे देखता है ना तो मेरे को चक्कर आने लगता है। अच्छा, तुम टप्पू के पापा हो ना? क्यों हो या नहीं? हाँ। तो एक काम करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और सबसे ऊपर की टहनी पे जो आम लगा हुआ है उसे तोड़ कर लाओ। जाओ। नहीं नहीं, मेरा तो ये अय्यर भाई से भी भारी प्रॉब्लम है। मैं ऐसे नीचे से ऊपर देखता हूँ तो भी मुझे ऐसे चक्कर आते, इसीलिए ज्यादा देर तक मैं आपके सामने भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आप भी थोड़े हाइट पे है ना, तो ज्यादा देर देखता हूँ ना चक्कर चक्कर आते। अभी देखा ना इसके लिए। आप लोगों के बच्चे भी आम तोड़ने आए थे ना, तो आइए। हंस, आप में से कोई इस आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर लाइए, जाइए। नहीं नहीं संग्राम जी, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, और अगर गलती से चढ़ भी गया तो गिर जाऊंगा, और गिर गया तो हड्डी टूट जाएगी। और सर पे चोट आ गई तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वाह कमाल है, बहुत अच्छे। खुद आम के पेड़ पर चढ़ो और वहां से गिर जाओ और चोट आ जाए, इस बात की चिंता है आप लोगों को? लेकिन आप लोगों के बच्चे आम के पेड़ पर चढ़े और वहां से गिरकर उन्हें चोट आ जाए, इस बात की चिंता नहीं है? मस्ती मस्ती में कितना बड़ा हादसा हो सकता है, जानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। आप लोग को लगता होगा ना कि यह संग्राम सिंह इतना कठोर, इतना निर्दयी क्यों है, बच्चों के साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आता है? अभी बताता हूं, जाकर भैरव को लेकर आओ।
यह है मेरा बेटा भैरव। दो साल पहले यह भी तुम लोग की तरह आम तोड़ने पेड़ पर चढ़ा था और पैर फिसलने के कारण यह पेड़ से गिर गया और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद यह भैरव बिल्कुल अकेला पड़ गया, कभी किसी से बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता और कहीं खेलने भी नहीं जाता। धीरे धीरे इसके दोस्तों ने भी यहां आना बंद कर दिया। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये भैरव उनके साथ दौड़ नहीं पाता था ना, कदम से कदम मिलाकर उनकी तरह मस्ती नहीं कर पाता। इसीलिए आज मेरे भैरव का कोई दोस्त नहीं है। मैं इसे जब भी देखता हूं तो यह सोचता हूं कि मैंने इसे पेड़ पर चढ़ने से रोका क्यों नहीं, या जब यह पेड़ पर चढ़ रहा था तो उस वक्त मैं पेड़ के नीचे क्यों नहीं खड़ा था इसे संभालने के लिए। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है कि शायद आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो। आप लोगों को लगता होगा कि ये तो पागल है। हाँ, मैं पागल हूं, क्योंकि मुझे हर बच्चे में अपना भैरव नजर आता है, हर बच्चे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मेरे भैरव की अगर यह गोगी भी पेड़ से गिर जाता और उसको भी लग जाता तो हाँ, मैं यहां खटिया बिछाकर गोगी की निगरानी करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए बैठा हूं कि बाय चांस गोगी का पैर फिसल कर अगर वो नीचे गिरे तो मैं उसे संभाल लूं। संग्राम सिंह जी, निश्चित तौर पर गलती हमारी है, आपने तो हम सबकी आंखें खोल दी। हम आपको पत्थर दिल समझते थे, लेकिन आपका दिल तो फूल जैसा निकला। आपने तो हमको रुला दिया। कितनी बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, हमारे लिए तो हमारे बच्चे ही सब कुछ है, अगर इनको कुछ हो जाता तो। सही बात है बोली, तुम्हें पता है हमारी जान तुम लोगों में है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। बेटा कभी भी ऐसी शरारत मत करना जिससे तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को परेशानी हो। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, हम कभी ऐसी शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, कभी नहीं करेंगे। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। हाँ, सॉरी सॉरी। अंकल, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, हमें तो बस केरी खाने का मन हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए। बेटा, तुमने आम तोड़े इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चे बचपने में बचपना नहीं करेंगे तो क्या बड़े होके करेंगे, लेकिन बचपने में कोई ऐसी गलती मत कर बैठो जिसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़े। बेटा, एक बात का ध्यान रखो, अगर तुम लोगों को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे माँ बाप को होती है। माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है बच्चों, दोस्त है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सारे बच्चों की दोस्ती कमाल की है, सब एक दूसरे पर जान छिड़कते। अरे खड़े क्या हो, जाओ जाओ, जाकर अपने जान को पेड़ से नीचे उतारो, जाओ, वो देखो लटका हुआ है। बेटा है कहा? हाथ ही निकल गया और पूंछ रह गई। ये पूंछ भी निकल जाती अगर गोगी ने उसे पकड़ के खींचा नहीं होता। भाई, गोगी ने सच बोल के खुद के ही नहीं अय्यर के पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब संग्राम सिंह भरतनाट्यम करने वाले अय्यर से भांगड़ा करवाएगा।
भाई जिंदगी में सच बोलना बड़ा आवश्यक होता है, बच्चों को सच बोलना भी चाहिए, लेकिन कई बार अगर आप सच बोलते हैं तो फंस जाते हैं। भाई यही तो जिंदगी है, सच बोलो तो फंसो, सच ना बोलो तो फंसो। लेकिन आप तो बस हंसो, हंसते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।